property in terms of agreement between the parties which are placed on the property. हमने कभी नहीं कहा कि उसको खाली कराने के लिए बोल जाएंगे, हमारा नौकर है वो, हमें उसे नौकरी से नहीं निकालना, वो नौकर वहां नौकर रहे, मगर उसको नौकर रखा गया था, एग्रीमेंट में उसको कुछ काम दिए गए थे, हमारी कर्बला की वो हिफाजत करेगा, वहां नौकर की तरह काम करेगा, तो हमने कब कहा कि उसको अपनी नौकरी से निकालना है? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है? टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ये है, जो बेसिक टर्म है, टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के अंदर ये है कि वहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती है। जो वहां पर कार्स बाहर से अंदर आती है, ट्रांसपोर्ट जो कार्स आती है बायर्स की, वो वहां अंदर एंटर नहीं कर सकती है। उसके अलावा ये उनकी वो ड्यूटी बाउंड है जो ग्रेस को प्रोटेक्ट करेंगे, बट उसके बावजूद वहां पर मोर देन 150 ग्रेस को डेमोलिश कर दिया गया है और ग्रेस बना दी गई, और बाहर के जो अनऑथराइज पर्सन है वो अंदर नहीं आ सकते। तो ये सब चीजें कंडीशन है जिनका वायलेशन हुआ है, और सबसे मेन तो एक ही है जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि दैट इज इन गुलजारे हैदरी, बट उसके बावजूद वहां पर आप जाके देखें, अभी जाइएगा, आपको राजधानी नर्सरी का बिल मिलेगा जो टोटली वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर। तो ये साहब एक सवाल, नर्सरी के लोग बाकी लोगों ने कहा था कि हम चाहते हैं कि ये मामला हल कर हल करना चाहते हैं, इस दिन में आपने कोई कोशिश की? मैं भी डॉक्टर साहब को दे रहा हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने बात की थी उनके ऊपर राजधानी नर्सरी के ऊपर, अभी तक हमारे 712 करोड़ रुपीस ड्यू हैं, 712 करोड़ रुपीस जो हाई कोर्ट के अंदर सबमिटेड है, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड वैल्यूएटर ने भी वैल्यूएशन किया था, 4,22,00,000 रुपीस पर मंथ का उनके ऊपर रेंट बनता है, उस हिसाब से 712 करोड़ रुपीस डिल डेट उनको हमारा देना है। तो उन्होंने हमसे ये कहा था कि इसके ऊपर आप इनसे कोई जो आप इसमें कुछ 10% कुछ रिबेट दे दीजिएगा, तो उनकी तरफ से बात ये थी कि इसमें आप क्या डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर कोई अच्छा प्रपोजल उनकी तरफ से आएगा, वो अगर राइटिंग में प्रपोजल दें, तो डेफिनेटली हम प्रेस के सामने बोल रहे हैं, हम उस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे कि उनको क्या डिस्काउंट दिया जाए। कितना जमा करा दिया? करा दिया होगा तो इसमें कम हो जाए, 712 करोड़ रुपए से अगर कुछ कोर्ट में जमा कर रहा है तो उसको लेस कर दिया जाएगा ना, बच्चे का सवाल है, क्या पूछ रहे हैं? भाद्रपाल साहब, आपको करता इतना बड़ा केस 2.5 साल से, वो रोज आई थिंक प्रदर्शन होना, लाठी, जब तक नौकर नौकर की तरह रहेगा तो उसे नौकरी पे रखा जाता है। अगर वो जैसे उन्होंने कहा माफी मांग कर अपनी सर्विसेज, जब वो पहले दिन आए थे एग्रीमेंट में रिकॉर्डेड है, उन्होंने अपनी सर्विसेज ऑफर की थी कि मैं कर्बला की तो अच्छे तरीके से रखना चाहता हूँ। अगर आपने जो कहा 2.5 साल से इतना कुछ हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अहमद पटेल आज की डेट में उस नर्सरी के मालिक की तरह बने, तो अगर ऐसे चांसेस होंगे तो लगाए हम फैसला लेंगे, और हो सकता है उनको नोटिस लेकर नोटिस निकाल दिया जाएगा, बट वो कानून के दायरे में होगा, गैर कानूनी तरीके से हम कुछ नहीं करेंगे, और हमेशा हमने कानून का पालन किया है और आगे भी करते हैं। सरकार सारे मर्दा के सिलसिले में जो कोशिश मुस्तकिल कई बरस से हो रही है, हम उसकी पूरी तरह से तायद करते हैं। इसी तरह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में अवकाफ के सिलसिले में जो भी तहरीक चल रही है उसकी तायद करते हैं, और ये जो तहरीक चल रही है बहुत ही ताकत से चल रही है, और सड़कों पर निकल करके अपनी बात बनवाने की कोशिश हो रही है, कोर्ट के अंदर कोशिश हो रही है, ये सब बहुत ही खुशायन बात है, और इसको हमको इस तरह से देखना चाहिए कि इस मुल्क में अवकाफ के साथ आज़ादी के बाद, बल्कि आज़ादी से पहले से क्या हुआ है, उस नुकते से देखना चाहिए कि अवकाफ जो तकरीबन हिंदुस्तान में 8 लाख अवकाफ हैं, जो कि दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नहीं है, दुनिया के किसी मुल्क में इतने ज़्यादा अवकाफ नहीं है, न मिस्र में है, न मराकश में, न सऊदी अरब में, न कहीं पर है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहुर्मती और उस पर कब्जा करने के जो तरीके जो अपनाए गए तरीके, वो सिर्फ हिंदुस्तान में हुए। सबसे पहले अंग्रेज़ों ने शुरू किया, 1857 की सज़ा उन्होंने इस तरह से दी कि 1867 में उन्होंने सारे अवकाफ जो अपने कंट्रोल एरियाज में थे सब कब्जा कर लिए। उसके